क्या हो गया? नाक भी साफ कर सकती हूँ, इंसान नहीं हूँ। माया पीछे से आवाज आ रही है, अरे शो हो गया। एक इंसान को जुकाम हो रहा है, हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन हुई है ना दीमक की, तो मुझे लगा था कि वो समझ रहे थे मुझे भी दीमक था, और उठ से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बेटे आ गई, मैं आ गई कराची वापिस। मुझे कुछ भी नहीं बोला। मुझे कुछ भी नहीं बोला, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए कुछ बोला नहीं तुम्हें, लेकिन फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। बड़ी ज्यादा सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, आई विल मिस ऑल दी सेलिब्रेशन। और क्या देखो, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, बाकी लोगों को चांस की जरूरत नहीं है, वो अपना चांस खुद निकाल लेते हैं। नहीं, बट आई विल मिस ऑल दी सेलिब्रेशन, है ना, सेलिब्रेशन मिस कर दोगे, सही है। लेकिन जो नौजवान, कहीं ना कहीं चोट मार दूंगी आगे। हाँ, तो मुझे मत मार देना चोट। अब ये ऑनेस्टली बताएं, नई नस्ल को जो शादीशुदा नहीं है उनको चांस देने की जरूरत है, वो खुद अपना चांस पकड़ लेते हैं। जो बेचारे शादीशुदा मासूम लोग जो शायद टाइम की वजह से या अपने कुछ फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से नहीं दिन गुजार पाते, ऐसे दिन स्पेशली सेलिब्रेट कर सकते। लास्ट ईयर का मुझे याद है। याद है? याद है। रियली? यस। अल्लाह, इट वाज ग्रेट सेलिब्रेशन। यार मैं इतनी खुशी हुई थी मुझे, बिकॉज उनके आंसू देख के मैं जो ना जाने का है। जस्ट सो वैलेंटाइन, इट वाज दैट ब्यूटीफुल मोमेंट जो आपने उनको दिया था टू लिव। वाओ, आई एम ग्लैड तुम्हें याद है यार, तो छा गई हो। मैं उधर बैठे बैठे यही सोची थी, आई रिमेम्बर योर रेड क्लोथ्स, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, तो मैं उधर बैठे बैठे वही सोच रही थी। लाखू क्या लाखू, कौन सी मेमोरी चिप लगी तुम्हारे अंदर? हमारे साथ एक और कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सहर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने आज आप मेरी कॉल मिल गई है, आपसे बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लकी आप नहीं, लकी मैं हूँ कि आपने एफर्ट डाल के मुझे कॉल किया। नहीं सीरियसली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं कितनी तारीफ करूँ मुझे समझ नहीं आया। रोज माया, अच्छा अच्छा मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छा थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगी कि ऐसा अच्छा कौन सा काम किया आपने जनवरी के महीने में जो आप चाहेंगी कि लोगों को भी उसकी तलकीन करें? वैसे बताना तो नहीं चाहिए, कहते जो नेकी करें तो वो, हाँ, लेकिन दूसरों को तलकीन देने के लिए वो ये था कि स्टॉप पे मैं रुकी तो एक आदमी आया, उसने कहा कि तो मुझे बेसाथियां चाहिए, मैं चल नहीं सकता, वो उसको प्रॉब्लम था चलने में। अच्छा, तो वो मुझे लेके दें। अच्छा, तो बस उसे मैंने फिर वो मैंने कहा कहाँ से मिलेंगे, उसने मुझे बताया कि यहाँ से मिलती है, मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और लेके गई और उसे मैंने वो लेके दी है बस। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे और काबिल बनाए कि आप और लोगों की मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर कॉल करने का। आप देखिए छोटी सी बात है, उन्होंने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी नियत से काम किया अच्छा सा जो चाहती हैं कि लोग सुने, और उन्होंने कहना नहीं वो चाहती थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि देखिए इसलिए कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम जहन से निकल जाती हैं हमारी, एंड आई थिंक देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग, शेयर करें क्योंकि हम सब अपने ही हैं ऐसी प्लेटफॉर्म। शेयर करके आप एनरोल करते हैं ना इनको सुन के, शायद दो और लोग, दो और लोग करेंगे शायद, अगर नहीं होगा तो हम शायद ढूंढना शुरू कर देंगे, शायद कोई हो, शायद कोई हो। अच्छा एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो बहुत ही जरूरी होती है, आपकी जब मैसेज लिखें आप लोग तो SS जरूर लिखें पहले, क्योंकि अगर आप SS नहीं लिखेंगे तो वो चला जाएगा कहीं और, और अगर आप चाहते हैं आपका मैसेज कहीं और चला जाए, आपकी एंट्रीज के लिए खास तौर से कह रही हूँ वैलेंटाइंस की, SS जरूर लिखिएगा। खातिर शुरू करते हैं उसके साथ हम आज का, औरतें सिर्फ इस मामले में बदनाम है या वाकई मैन मैथ निकालती हैं? अच्छा जी, औरतें वाकई निकालती हैं, वाकई निकालती हैं, वाकई निकालती हैं, और वो असल में जिसके साथ बात करती है उसको लगता है कि वो निकालती है। अगर एक औरत और औरत बैठे तो वो नहीं लगती मन में, लेकिन एक आदमी के साथ बैठती, दोनों का बेसिकली ब्रेन ही डिफरेंट है, फिजिकली ब्रेन डिफरेंट है, न्यूरोलॉजिकली इसका ब्रेन डिफरेंट है। अगर हम बात करें कि एक एक फॉर एग्जांपल एक गेम है या एक सिनेरियो है, और मर्द औरत उसको एक अलग तरह, फॉर एग्जाम्पल हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ठीक है, एक वो सिनेरियो आते हैं, तो मर्द उस चीज को हमेशा एक अलग तरीके से देखेगा हमेशा, क्योंकि उसका न्यूरोलॉजिकली वो काम इस तरह करता है, ठीक है, और औरत उस गेम को एक अलग तरीके से खेलेगी, ठीक है, चाहे वो शादी की गेम हो, चाहे वो बहन भाइयों की जिंदगी की गेम हो, ठीक है, वो माँ बाप की गेम हो, औरत एक हमेशा एक अलग तरीके से लेके चलेगी, राइट, क्योंकि औरत का ब्रेन एक अलग तरीके का है, मर्द का ब्रेन 11-12% औरत से बड़ा होता है साइज में, सही, साइज में बड़ा होता है, और साइज का बड़ा होना इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, साइज में बड़ा इसलिए क्योंकि न्यूरॉन ज्यादा चाहिए होते हैं, इसकी बॉडी ज्यादा होती है, देन उसकी नेचुरली एक्सर्शन ज्यादा होती है, तो उसको पूरा करने के न्यूरॉन ज्यादा चाहिए होता है, right. तो फिजिकली उसका ब्रेन मर्द का औरत से बड़ा होता है, ब्रेन का साइज 11-12%, तो
इस तरह बाकी सारी चीजें भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. हाँ. जिस तरह फॉर एग्जांपल इमोशन सिचुएशन के अंदर औरत के जो हार्मोन्स काम करते हैं मर्द के वो काम नहीं करते. नहीं करते. इसीलिए वो देते ना, औरत हमेशा कहती है मर्द बड़ा इनसेंसिटिव होता है. हाँ. वो इसीलिए कहती है. अच्छा, लास्ट वीक जिस तरह की बात हुई थी और हम सेशन में जब बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात की कि मर्दों की वजह से ही उनकी आदत ऐसी होती है. क्या ये सही है या ये मर्दों का हाथ होता है? वाकई नहीं, गलत है. मर्दों की वजह से नहीं होती, नहीं होती. कि औरतों की अपनी वजह से होती है. अगेन मैंने कहा औरतों की अपनी वजह से ही होती है. होती लेकिन है. बोलते मर्द हैं तो बेचारा इल्जाम उन पर आ जाता है. ठीक है, ठीक है, बोलते मर्द हैं. अच्छा, एक मैं बड़ी कॉमेडी क्लिप देख रही थी, आप लोग भी सुने, बड़ा मजेदार बात. अच्छा, वो क्लिप हो सकता है मैं शेयर भी करूँ तो मेरे फेसबुक पे जाना पड़ा, उसमें क्लिप हुआ है. उसमें एक जो है ना स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं. कह रहे दो तरफ उसने दिमाग रखे, एक आदमी का रखा, एक लड़की औरत का रखा. आदमी के दिमाग की तरफ वो कह रहा है कि आदमी जो है वो सोचता है बॉक्सेस के अंदर, उसके जहन में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. वो बड़ा उसकी डुबाट लगा रहा था, कहता है लेकिन एक बॉक्स होता है जो कि बिल्कुल खाली होता है और वो सबसे ज्यादा उसको एंजॉय करता है. ठीक है, जब मैं औरत के दिमाग की तरफ आया तो कह रहा औरत के दिमाग एक साथ कर रही होती है, कह रहे उसको कोई एक बॉक्स नहीं, उसका सर्कल्स है और सर्कल हर एक सर्कल से कनेक्टेड है, पूरा मेज है. कहते हैं आपकी सोच है, औरत जब चाहती है. कहते हैं मुझे पता है आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, मेरी बात सुनते सुनते आपको लगेगा कि मैं एक शायद काश आदमी के वो खाली बॉक्स में चले जाऊं, तो आदमी कहता है नो मुझे उस बॉक्स में अकेले, मेरा पर्सनल स्पेस है, मेरा पर्सनल स्पेस. देखिए औरत और एक आदमी अगर दो फॉर एग्जांपल दो केव्स में रहते हैं. हाँ. दो केव्स के अंदर तो मर्द की केव के आगे लिखा था प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब. ठीक है, वो अपने पूरे दिन के अंदर वो एक टाइम गुजारता है जिसके अंदर उसको कोई नहीं चाहिए. ठीक है, औरत के अगले प्लीज कम एंड टॉक टू मी. औरत ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक, वुमन ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक. चाहे आप भी हो, यू आर वर्किंग वुमेन, तो आपके अंदर भी एक आपको पर्सनल स्पेस अपना चाहिए होता है. बिकॉज यू हैव टू सी योर होम. अभी सुबह भी आपकी प्रॉब्लम थी, यू हैव टू सी योर होम, यू हैव टू सी द वर्क, यू हैव टू सी एवरीथिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे तब भी आपको कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए ही चाहिए. चाहिए चाहिए. लेकिन मर्द से अगर आप बात नहीं करते दो दिन भी तो वो कोप अप कर जाएगा, औरत नहीं कर पाएगी, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगी. है ना, ऐसा है ना, औरत को बात करने के चाहिए ना, ये चाहिए. आदमी को मस्त फर्क नहीं पड़ता. और औरत क्यों, और औरत क्यों इस तरह से कहा ना कि मेज होता है गोल गोल. हाँ. मेज हर जगह चीजें. हाँ. मिली हुई की रीजन भी कि आदमी एक टनल विजन रखता है, 95% उसकी फोकस एक ही चीज पे होती है. ये बात क्यों, कॉलर भी मैं एक और सवाल करूंगी. नर्जिस है कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है माया? करम मालिक एहसान अल्हम्दुलिल्लाह. फरमाइए. लाहौर देख आए? हाँ जी, लाहौर देखा ही मैं. हाँ, लाहौर गया लेकिन हम कराची में रहते हैं. कोई बात नहीं, आप हमारी कराची वाली हो गई. जी. जी नर्जिस. हाँ. आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया फरवरी के महीने, जनवरी के महीने में जो आप चाहती हैं कि दूसरे भी उसको फॉलो करें? जी मेरी सास आई हुई है, उनकी खिदमत कर रही हूँ. हाय. और सैर वगैरह करवाई है. वेरी गुड. लाहौर से आई हुई है? जी लाहौर से आई हुई है. खुश है वो घूमने फिरने में? जी बहुत खुश है. और आपका प्रोग्राम देखती हैं और मुझे कहती हैं तो आप तो सुबह सुबह काम करके माया का प्रोग्राम बहुत देखती हैं. अस्सलाम वालेकुम सासू माँ, कैसी हैं आप? ठीक है, चलिए वेरी गुड, जबरदस्त. मिलके हम देख रहे हैं प्रोग्राम. मिलके आप देखें और हर काम मिलके करें. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत अच्छी बात की आपने कि अपनी सास की, यानी कि अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की खिदमत करना. अल्लाह ताला हम सबको मौका दे. उनकी सासू माँ क्लियर कर दें. उनकी सासू माँ? उनकी सासू. हाँ, उनकी सासू माँ भाई. अब मेरी नहीं है अभी तो, नहीं हो तो गई होंगी, मेरे पता नहीं गुजार लेंगे. हाँ यार, ये बात की तुमने. मैं भी रेड कलर कपड़े गाउन पहन, दोनों रेड पहन के अजीब से लगेंगे, दोनों पागल लगेंगे. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी ये बात क्यों नहीं समझता कि औरत को उस वक्त पर्टिकुलरली उस मोमेंट में बात करने की जरूरत है, या वो ये फील करती है? आदमी इस बात को रियलाइज क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, औरत भी नहीं करती बात, दोनों तरफ सेम है. यार ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ. हाँ. औरत भी नहीं करती कि उस वक्त आदमी के सामने बात नहीं करनी चाहिए. ये बताते क्या चक्कर गया सारे, इसके अंदर कुछ 10 डिफरेंसेस है. ठीक मैं है, कुछ बता देती हूँ. ठीक है, जिस वक्त मेरे दिमाग में फौरन फौरन आ रहा है. हाँ. पहला ये है कि मर्द जो है, अगर हम मर्द और औरत के न्यूरॉन्स की न्यूरोलॉजिकली बात करें, इमोशनली बात करें, कि मर्द एक टनल विजन रखता है, जो बात करी मैं, कि वो एक ही चीज पे फोकस, अगर काम है तो उस पर फोकस रखेगा. ठीक है, 5% को एनवायरमेंट पे फोकस रखेगा. ठीक तो है, वो चीजें ग्रैस्प नहीं कर पाता जिसके बारे में बात कर सके औरत से. ठीक है, अब औरत को हमने कहा मेज होते हैं. औरत 95% एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करती है, कोई क्या कर रहा है, इसलिए नहीं कि उसको पंचायत की आदत है, इट्स नॉट दैट. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज सूरज ज्यादा, मतलब ज्यादा तेज है, मतलब आज फॉर एग्जाम्पल ज्यादा गर्मी है, आज ठंड ज्यादा है, अच्छा मेरे बच्चों ने कपड़े सही पहने हुए नहीं पहने हुए, एंड स्टफ लाइक दैट. तो औरत का ज्यादा जो होता है ध्यान वो एनवायरमेंट पे होता है बनस्पत. अच्छा. मर्द के, तब औरत के पास डिफरेंट बातें करने के लिए मर्द के पास डिफरेंट बातें. हाँ. अब
बिकॉज के मतलब टनल विजन होता है, वो एक ही जगह अपना फोकस रहता है, उसमें बातें कम होती हैं। औरत हर जगह देखती रहती चीजों को, उसका बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजें उसका। फॉर एग्जाम्पल औरत आपसे बैठी हुई, आप फॉर एग्जाम्पल योर मैन, और आपका एक है भाई मुझे सुबह सुबह अपना काम करना है, आपको उस पर फोकस है पूरा दिन, आप उसके बारे में सोच ठीक है, और मैं आके आपको बैठती हूँ, तुम्हें पता है क्या हुआ आज सुबह, ये हुआ आज सुबह, वो बच्चे ने स्वेटर पहना हुआ था उसमें हल्का सा फटा हुआ था, स्कूल नहीं गया, ये हुआ वो हुआ, ये आदमी को नहीं सुनना, नहीं अब ये मिनमैक होगी ना, अब उस आदमी के लिए तो मिनमैक होगी कि भाई वो पूरे वो आदमी को उस एनवायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया, जो चीज उस शख्स ने ऑब्जर्व ही नहीं की, उसकी नजरों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके ब्रेन ने रजिस्टर्ड ही नहीं किया, उसके बारे में बात कैसे करेगा। लेकिन रोज या फिर क्या उसके हस्बैंड की या उसके पार्टनर का फर्ज नहीं बनता कि अगर चीजें एब्सेंट है तो उसके साथ तो होना कम से कम, साथ में होने का बस, औरत को जो बेसिकली चाहिए ना वो चाहिए अटेंशन, अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, ठीक है। मर्द मर्द कहीं पर भी होगा ना वो कहेगा ठीक है मैं अकेला हूँ, इट्स ओके। मर्द विल ऑलवेज शाउट फॉर बिकॉज ऑफ एंगर और फॉर हिज रिस्पेक्ट, वुमेन ऑलवेज शाउट फॉर अटेंशन। औरत हमेशा, और जब भी मर्द शोर मचाएगा ना उसका मतलब है लीव मी अलोन राइट नाउ, डोंट बी विद मी। जब औरत चिल्लाएगी इसका मतलब प्लीज कम गैदर अराउंड मी एंड टॉक अबाउट, अच्छा यानी कि मुझे ग्रैब कर लिया। मतलब मोहसिन है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है? गरम मालिक का एहसान आप फरमाइए मोहसिन, कैसे हैं? मैंने ये फरमाना है कि मैंने जर्जी में बहुत नमाजें पढ़ी हैं, माशाल्लाह भी रखे हैं, और किसी को तंग नहीं किया बल्कि दोस्तों को भी दावत दी है नमाज पढ़ने की। वेरी गुड, वेरी गुड। नमाज नहीं पढ़ता था मेरा, तो मैंने तो उसे बोलना ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। और जर्मनी में हमारा चेलम था इमाम हुसैन इस्लाम का, उसमें मुआवजा हुआ है, ठीक है, कि हम जब जंजीर से निकलने लगे थे तो जो हमारा घोड़ा था वो अपने दोनों टांगे जमीन पर लगा के जैसे सजदा करते हैं ना, उसे कुछ चीज नजर आई, उसने दोनों नीचे दिखा दी और मेरी आंखों में पानी आ गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आपने नमाजें पढ़ी, अल्लाह करे सब लोग इस चीज को फॉलो करें। और यहाँ पर रहते हैं छोटा सा वक्फ, वक्फ पे जाने से पहले हम वैलेंटाइन के वक्फ वक्त दिखाते हुए जा रहे हैं, नहीं हम वक्फ पे जा रहे हैं और वापस आए जल्दी से आए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। ऐसे मुझे तालियां बजाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी यहाँ पर थी। बट और रात हमें ज्वाइन कर लिया हमारी कुछ लड़कियों और कुछ लड़कों ने, और जाहिर आपको पता है कि हमारी थोड़ी देर बाद हमारी लाहौर की ऑडियंस भी हमारे साथ होगी, आई अज्यूम, आई गेस, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। फतिन हजरात, खवातीन हर चीज में मेन में क्यों निकालती हैं? और उससे भी एक मेरा और सवाल रह गया था बीच में, जब मैं बाद में उससे अकेले में करूंगी, और रूज के क्यों अगर बंदे को नहीं दिल चाह रहा बात करने का और बंदी को दिल चाह रहा है बात करने का, तो क्यों आदमी बात नहीं करेगा? क्यों? अच्छा, दिल की बात नहीं है बेचारा, रजिस्टर देखे ना, एक चीज होती है बंदा प्रोसेस कर पाता। फॉर एग्जाम्पल क्लास वन के बच्चों को अगर आप थ्री का लेसन दे दो को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी वो क्लास वन का बच्चा है। वो अब मैं आपको बताऊँ तो औरत वुमेन्स आर अगेन, मैं बोल रहा साइंटिफिकली इमोशनल इंटेलिजेंस ईआईक्यू की बात है, आईक्यू को हटा देते, आईक्यू बहुत पुराना हो गया, ईआईक्यू पे पूरी कहते हैं ना इंटरव्यूज बेस करते हैं, आपके आपके एडमिशन बेस करते हैं, उसमें औरतें ज्यादा इंटेलिजेंट है बनिस्बत मर्द के, ठीक है, इसलिए है कि औरतें इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, उनको पता है कहाँ फ्लेक्सीबल होना है कहाँ फ्लेक्सीबल नहीं होना है, मर्द फ्लेक्सीबल नहीं होता इसलिए टूट जाता है वो। जो दरख्त देखिए आप, जिस दरख्त समंदर के पास होगा उसमें लचक बहुत होगी, और वो लंबा सा होगा, लचक बहुत होगी, क्योंकि समंदर की हवाओं का जिस तरफ हवा होती है उस तरफ वो मुड़ जाता है। जिस दरख्त में लचक नहीं होगी वो टूट जाएगा, चाहे कितना भी मोटा कितना भी हो। एक्चुअली दैट्स ट्रू। हाजिर हमें कॉल कर सकते हैं 0800-7262 पे कॉल कीजिए। अब हमारे हैं आज के जो हमारी ऑडियंस के साथ, हमारा एक वादा था फ्राइडे को कि हम कराची और लाहौर के ऑडियंस के साथ बात करेंगे, और पहला वॉक्स बॉक्स जो है औरतें औरत क्यों औरत की मेन मैथ निकालने से उनकी जो आदत होती है उससे क्या नुकसान होते हैं। पहले देखिए आवाम ने क्या सर के सहला रहे एक बात करते करते ना एक सर हिला ना, मैंने कहा अच्छा मैंने देखिए आवाम ने क्या कहा कि मेन मैच निकालने से क्या नुकसान होते हैं, वो कैन वेलकम बैक। प्यार से किया जाता है, कोई जरूरत नहीं, कोई जबरदस्ती या मार कुटाई या दंगा फसाद इससे नहीं होता। खातिन का तरीका इलाज यह है कि वो किसी भी मसले को जानने के लिए सब्र तहम्मुल से काम ले, और कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे किसी दूसरे की दिल आजारी हो, और दूसरे को भी चाहिए
कि वो सभ्यता हम उनसे काम ले, उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से औरतों को समझाने का कोई तरीका इलाज नहीं है, बस यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। मैं तो ये खवातीन की जो मीनमेख निकालने की वजह से जो है ना घर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं घर में, और आपस में घर में मिसअंडरस्टैंडिंग।